न्यूटन फर्स्ट है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लिख लिया तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं हम लोग भी। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है अभी? देखिए इलेक्ट्रो जो वर्ड है वो चार्ज को दिखाता है अभी। किसको? चार्ज। और स्टैटिक्स को दिखाता है रेस्ट को भी। ठीक है, तुम्हारी फर्स्ट यूनिट किसके बारे में बताएगी आपको? चार्ज एट रेस्ट के बारे में भी। ओके, ये जब यूनिट फर्स्ट पूरी हो जाएगी उसके बाद आएगी सेकेंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज अब चलना शुरू हो जाएगा अभी। ठीक है, तो आपस में जुड़ी होंगी यूनिट सारी। तो लिखिए व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लिखिए इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट ए रेस्ट। चार्ज रेस्ट पे होगा तो स्टडी हम करेंगे चार्ज के बारे में, वो क्या होगी सारी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो पहली बात इसमें है, देखो चार्ज एट रेस्ट के बारे में बताया गया है तो पता होना चाहिए चार्ज होता क्या है अभी। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज क्या है अभी। हो गया, चार्ज क्या है अभी बताइए, व्हाट इज चार्ज? क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं? इलेक्ट्रॉन क्या है? तो वही चार्ज आएगा ना। व्हाट इज चार्ज भी, क्या होता चार्ज? हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं चार्ज को? क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। सुना है ये वर्ड कभी यूज़ किया अभी आम लाइफ में? नहीं किया ज़्यादा आवेश है मता। सुना नहीं ये वर्ड कभी? सुना नहीं है। आवेश दिखाता है गुस्से को भी हिंदी में। गुस्सा क्या है डिफाइन कर सकते हो? नहीं करेंगे हम तो। गुस्सा क्या है? गुस्सा बोल सकते हैं कि एक ह्यूमन प्रॉपर्टीज है भाई, ज़रूरी प्रॉपर्टी। अगर गुस्सा ज़रूरी प्रॉपर्टी ना तो हमको मिलती नहीं कभी। ठीक है, गुस्सा क्या एक एसेंशियल प्रॉपर्टी है ह्यूमन नेचर की भी, जो हमारे नेचर को रिफ्लेक्ट करती है भी, हम नेचर कैसा हमारा। सही है, तो चार्ज भी एक प्रॉपर्टी हो सकती है भी। चार्ज को डेफिनेशन नहीं है। सही है, चार्ज की डेफिनेशन बनाएंगे आगे चल के हम लोग। चार्ज के मैथमेटिकल फॉर्म में बनाते हैं हम, कर लोगे? तो चार्ज यहाँ पे क्या लिखिएगा, लिखिए चार्ज क्या है। इट इज़ एन एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर विच कैन डिसाइड अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बिहेवियर, विच कैन डिसाइड अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बिहेवियर ऑफ द बॉडी, विच कैन डिसाइड अट्रैक्टिव और रिपल्सिव बिहेवियर ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के बिहेवियर को शो करेगा, एसेंशियल प्रॉपर्टी बताई गई है, जरूरी प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की भी। कर लोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसी में बताएंगे आपको कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या हैं। टाइप्स ऑफ चार्ज, कितने तरह के चार्ज प्रेजेंट है नेचर में भी हैं? कई तरह के हैं? दो ही हैं? तीन हैं? कौन कौन से? पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज होता है। लीजिए, वी हैव ओनली टू टाइप ऑफ चार्जेस। फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज,
सेकंड है नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट क्या है? पॉजिटिव चार्ज, दूसरा क्या है? नेगेटिव चार्ज। दो ही तरह के होते हैं भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव। हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कोई बॉडी चार्ज बॉडी बनती कैसे है अभी, यानी चार्ज का ओरिजिन का, चार्ज आया कहाँ से एक्चुअल में भी? ठीक है, अब लिखिए यहाँ पे, इसमें बनाइएगा ओरिजिन ऑफ चार्ज भी। ओरिजिन ऑफ चार्ज, चार्ज बना कैसे भी, या चार्ज बॉडी बनी कैसे, क्या रीजन था चार्ज होने का भी, ओरिजिन ऑफ चार्ज। टॉपिक लिखिए ओरिजिन ऑफ चार्ज। लिखो इसमें एवरी बॉडी मेड बाई एटम, एवरी बॉडी मेड बाई एटम एंड एंड एटम इज एंड एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। ये बात बताती है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है भाई, मतलब क्या है? एटम पे नेट चार्ज कितना है? जीरो है भाई। एटम इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल्स। देखिए चौक पे, चौक किसका बना हुआ? एटम्स का बना हुआ भाई, तो हर एटम का चार्ज कितना है? जीरो है। चौक का चार्ज कितना होगा? जीरो ही होगा। यस आर नो? तो दो बॉडी मेरे पास भी, बॉडी ए मान लेते हैं, बॉडी बी मान लेते हैं। बॉडी की ए के एटम है अभी पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते ना, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। कर लोगे? ये बॉडी ए का है, ये बॉडी बी का भी, कोई दो बॉडी है और दोनों ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, मतलब क्या है? इट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस। यस और नो? मान लेते इसके पास प्लस तीन प्लस के हैं या तीन माइनस के हैं, तो कितना होगा? जीरो। जीरो, यही जीरो है। इसके पास दो प्लस के हैं, दो माइनस के हैं, ये भी जीरो। कर लोगे? हमने क्या किया, दोनों बॉडीज को रब करना शुरू किया आपस में से, मैंने हाथों को रब करना शुरू किया, तो क्या होगा? ड्यू टू फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस होगी। फ्रिक्शन याद है? चलो छोड़ो। ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होगी? हीट प्रोड्यूस होगी अभी। वो हीट से क्या होगा, उनको एटम्स को क्या मिलेगी? बाहर से एनर्जी मिलेगी भी। और उसके एटम जम मार जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन जम मार जाएंगे हाई एनर्जीज के अंदर भी। जब रफ करने से क्या होता है, एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं। मान लेते इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, एक नेगेटिव यहाँ पे चला गया। यस आर नो? तो कितने नेगेटिव बचे इसके पास? अब दो। यस आर नो? प्लस के तीन है, माइनस के दो, कितना हुआ? प्लस का एक आंसर हुआ। इसके पास कितने नेगेटिव हो गए? प्लस टू, माइनस थ्री हो गए, तो माइनस वन। कर लोगे? जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया वो क्या बन गई? पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गई। जिन्हें गेन कर लिया, इट बिकेम नेगेटिव चार्ज बॉडी। दिस इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज बॉडीज। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज? एटम इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज। कर लोगे? तो मेरे पास दो बॉडीज हैं जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रल्स है। लिखिए आगे, वैन वी रब टू बॉडीज देन हीट इज प्रोड्यूस। वैन वी रब टू बॉडीज देन हीट इज प्रोड्यूस। सो इलेक्ट्रॉन ऑफ वन बॉडी, सो इलेक्ट्रॉन ऑफ वन बॉडी ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ऑफ वन बॉडी ट्रांसफर इंटू अनदर बॉडी, ट्रांसफर इंटू अनदर बॉडी। ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन तो पक्का करंट तो बनेगा भी, सीधी सी बात यही है। कर लोगे? दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी। क्या नाम दिया गया इसको? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो नहीं किया अभी, ट्रांसफर हुए अभी, फर्क है भाई। यस और नो? दिस इज कॉल्ड ए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वर्ड यूज किया हम लोगों ने, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और क्या नाम इसका? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो बादलों में होती है, क्लाउड्स में जो लाइटिंग होती है, यही सी, यही रीजन है उसका भी। समझ में आया कि नहीं आया अभी? अब बादलों के पास क्या है? डस्ट पार्टिकल्स हैं। जब दो क्लाउड्स आपस में क्या करते हैं? ट्राई करते हैं, बोल सकते हैं,
तो उनमें फ्रिक्शन होता है डस्ट पार्टिकल्स के अंदर, और ड्यू टू फ्रिक्शन के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर। जिस क्लाउड के इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए वो क्लाउड क्या बन जाता है, पॉजिटिव क्लाउड। जिन्हें गेन कर लिए और दो क्लाउड आ रहे हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव, बीच में स्पार्किंग होती है, इट इज कॉल्ड लाइटिंग्स। भी स्काई लाइटिंग बोलते हैं ना आप, बिजली चमक रही है, ये वही है। सर्दियों में कपड़े उतारते हैं तो चिंगारियाँ निकलती कपड़ों से भी, नहीं देखे देखी नहीं देखी, या किसी सिल्की कपड़े से रब कीजिए चिंगारियाँ बनती हैं। और भी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। कर लोगे किसी ग्लास रोड को रब करें कपड़े के साथ तो एक पॉजिटिव बन जाता है, एक नेगेटिव बन जाता है। रीज़न क्या है, जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया वो पॉजिटिव बनेगा, जिसने गेन कर लिया वो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया, कर पाओगे, दिस इज द ओरिजिन ऑफ ए चार्ज। डायग्राम बनाइएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। दो तरह के चार्ज हैं भाई, क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पहला पॉइंट लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का पहला पॉइंट है, लिखिए लाइक चार्ज, लाइक चार्ज, लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर, लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। जो लाइक चार्जेज हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं अभी एक दूसरे को। दो पॉजिटिव क्या करेंगे, दे रिपेल टू ईच अदर विद सम फोर्स, कम आ रहे हैं ना। दो नेगेटिव क्या करेंगे, दे ऑल्सो रिपेल टू ईच अदर, दे रिपेल टू ईच अदर। डायग्राम बनाते जाओ, हो गया। सेकेंड पॉइंट, अनलाइक चार्जेज लिखिए, सेकेंड पॉइंट है अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, अनलाइक चार्जेज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। कर लोगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी प्रॉपर्टी का पॉइंट है भाई। थर्ड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, देखिए आपने चौक को चार्ज कर दिया अभी, क्वेश्चन है इसका चार्ज कितना है, वैल्यू कितना है इसका, ये बताना होता है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देख लीजिए, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज इंटीग्रल INTEGRAL इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, देखिए मैंने क्या बोला आपको, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। आगे लिखिए एक पॉइंट और, चार्ज हैविंग सम डिस्क्रीट वैल्यू भी, चार्ज हैविंग सम डिस्क्रीट वैल्यू और फिक्स्ड वैल्यू लिख सकते हो, चार्ज की एक फिक्स वैल्यू होती है अभी, ये बताने के लिए तो हमको पॉइंट बना रखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी, ठीक है। जो हमने आपको लिखवाया है वो क्या है लिखवाया है, ये लिखवाया है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर Q इज, ये है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, N क्या है, एनी नंबर भाई, 1, 2, 3, 4, 5 सोन। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स, ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों वाले बराबर होती हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स एक ही वैल्यू होती है दोनों की, यस और नो, कितनी वैल्यू होती है भाई,
1.6 10 की पावर माइनस 19 कॉलम्स भी, कॉलम्स यूनिट ऑफ चार्ज भी, ठीक है। लिखवाया गया है चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर के साथ मल्टीपल किया गया, किसको, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स को भी। अगर इलेक्ट्रॉन यूज करें तो नेगेटिव, प्रोटॉन्स यूज करें तो पॉजिटिव, इसलिए मैंने क्या यूज किया इसके लिए, प्लस माइनस भी। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला भी। अगर आपको निकालना हो टोटल चार्ज कितना होगा तो ये है भी। अब यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू नहीं है ये 1, 2, 3, 4 से है, जीरो नहीं है इसमें भी। जीरो क्यों नहीं है, ऐसी कोई बॉडी नहीं मिलेगी इसके पास चार्ज जीरो हो, इसका चार्ज जीरो हो, ऐसी बॉडी नहीं मिलती भी। मतलब क्या है, अगर हम बोलते हैं चार्ज जीरो है, मतलब क्या, इट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी, बट इन इक्वल अमाउंट्स भी, चार्ज तो उसके पास भी। अब एटम के पास चार्ज नहीं है क्या, बिल्कुल है भाई, जितने पॉजिटिव उतना ही क्या उसके पास, नेगेटिव हो तो नेट कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है उसका। तो अगर कोई बोल दे कि मेरे पास ऐसी बॉडी का चार्ज जीरो है, तो ये नहीं है, इट डज नॉट हैव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इट मीन दैट इट हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ऐसी कोई बॉडी नहीं मिलेगी आपको नेचर में इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो या कोई प्रोटॉन ना हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एन का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता भी, कर पाओगे। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी हो सकती है, एन कम से कम कितना हो सकता है, वन हो सकता है, वन। और ई का वैल्यू कम से कम 1.6 10 की पावर माइनस 19, यस सर ना, कितना वैल्यू आएगा, कर पाओगे। यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम से कम वैल्यू रखता है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये जो वैल्यू है कम से कम है भाई। अब आप कभी ये नहीं बोल सकते मेरे पास 1.5 इलेक्ट्रॉन है भाई, ये तो वन होगा या टू होगा, बीच का वैल्यू नहीं मिलेगा आपको उनके। यानी डिस्क्रीट वैल्यू ये है, फिक्स वैल्यू ये, इससे कम पॉसिबल नहीं है। यस आर नो, आपको इनके बीच के आंसर नहीं मिलेंगे, कोई नहीं बोलेगा आपको मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है भाई, या टू है या थ्री है, बीच के कुछ नहीं होगा भाई, कर लोगे। ये था अभी आपका टॉपिक, व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वेश्चन है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन कॉलम ऑफ चार्ज, एक कॉलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं निकालना हो। जब भी आपको नंबर निकालना पड़े ना, मेरे पास एक ही फार्मूला है, क्यूज इक्वल टू एनी, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, क्यू इक्वल टू एनी। दूसरी बात, जो प्लस माइनस यूज करते हैं सिर्फ सिंबलिक दिखाने के लिए कि इट इज फॉर इलेक्ट्रॉन इज फॉर प्रोटॉन, इट इज नॉट लेस देन जीरो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नॉट लेस देन जीरो, जीरो से छोटा नहीं होता कभी भी, वैल्यू होती है उसकी भी, कर लोगे। हाँ नेगेटिव आता है, क्या पता है आपको, इट इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स। फिजिक्स में नेगेटिव वर्ड जो होता है यूज करते हैं उसका कुछ मीनिंग होता है, हमेशा भी देखा होगा। छोटा क्यों, कितना अभी वन कॉलम दे रखा है उन्होंने, तो एन निकालना है, एन कितना आएगा यहाँ से, क्यू बाई ई कर सकता हूँ अभी, तो क्यू कितना है वन, ई कितना है 1.6 10 की पावर माइनस 19, तो इसका आंसर कितना होगा 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन वन कप ऑफ वाटर, वन कप ऑफ वाटर, एक कप पानी में कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्लास। एक कप पानी में कितना चार्ज होता है, ठीक है। आप लेट वन कप हैविंग, तो कुछ भी मान लो 250 cc ऑफ वाटर, 200 मान लो भाई, छोटा कप है, पहिया कप है भाई, पहिया साहब पीते हो गए नहीं पीते, सीसी क्या है क्यूबिक सेंटीमीटर। पानी की अकेले लिक्विड, ऐसा है लिक्विड पानी, इसका एक किलोग्राम
और एक लीटर बराबर होता है पानी को छोड़ के, किसी का नहीं होता है। आपका दूध होता ना, एक किलो दूध और 992, एक लीटर दूध इज इक्वल टू 992 ग्राम्स, एक किलो घी 882 ग्राम भी। पानी अकेला है जो एक किलो और एक लीटर बराबर होता है, समझ में आ रहा है? इसको भी ले सकता हूँ मैं, वॉल्यूम कितना भाई, 250 किलोग्राम, ग्राम सही है कि नहीं? एक लीटर बराबर एक किलो तो 250 सीसी कितना होगा, 250 ग्राम भी होगा, यस और ना? और एक मोल ऑफ वाटर कितना होता है, वन मोल ऑफ वाटर, एक मोल वाटर होता 18 ग्राम को बोलते हैं, क्यों? H2O यहाँ पे होता है 16, और यहाँ पे वन का दो है तो 18 ग्राम में बदल दीजिए, क्या हो गया, एक मोल हो गया। और ये एवोगाड्रो बोलता है कि एक मोल में 6.023×10²23 एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, यस और नो? ये क्या है, मॉलिक्यूल्स किसके भाई, वाटर के। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? एक ग्राम में कितने होंगे भाई, एक ग्राम में कितने होंगे, 6.023×10²23/18, मैं तो 250 ग्राम में निकल रहा हूँ, यस सर ना? रब करते हैं ऊपर वाला, तो इन 250 ग्राम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स कितने भाई, 6.023×10²23/18 इंटू 250, सही लिखा है? ये इतने नंबर ऑफ क्या हो गए, वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए अभी एक कप पानी में, समझ में आया कि नहीं आया? प्रॉब्लम क्या, हमको तो क्या निकालना, इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं कितने, या प्रोटॉन्स निकालने की बात हो तो बराबर ही होते हैं, यह सर ना? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स होंगे भाई, एक मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं वाटर के एक मॉलिक्यूल्स में, H2O, ऑक्सीजन 8 होते हैं भाई, हाइड्रोजन के पास एक होता है, दो हाइड्रोजन है तो दो हो गए, 8, 10 हो गए भाई, 10 इलेक्ट्रॉन या 10 प्रोटॉन्स में, यस और नो? तो टोटल कितने हो गए भाई, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स पूछ रखे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव पूछ रखा है, तो प्रोटॉन्स ले लीजिए, कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं भाई, 6.023×10²23/18 इंटू 250, यदि इतने मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल कितना है, 10 है, तो गुणा में 10 भी कर देता हूँ, यह सर ना? ये निकला, ये क्या निकला पता आपको, ये एन निकला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कर पाओगे? टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज सिंपल फॉर्मूला भाई, एन ई, सही है? एन कितना, 6.023×10²23/18 इंटू 2500, ले सकता हूँ, इंटू 1.610×-19, इतना कौन सोल्व करेगा ना भाई, देख लेते हैं कहाँ गया, 1.3×10⁻⁷ कॉलम्स। टॉपिक है चार्ज बाई इंडक्शंस, क्या चीज होती है अभी देखिए, मान लेते मेरे पास एक चार्ज्ड बॉडी है, अभी ए मान लेते हैं, और इस पे भी मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी किस तरीके से बनाया, इसके इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया होगा, ठीक है? और इसको मैंने प्लेस किया एक अनचार्ज्ड बॉडी के पास, न्यूट्रल बॉडी के पास भी, बी क्या था, अनचार्ज्ड बॉडी, कर लोगे तो क्या हो सकता है? अब मैंने आपको ये बोला था कि ऐसे कोई बॉडी प्रेजेंट नहीं है नेचर में जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स ना हो।
अगर ये न्यूट्रल बॉडी है मतलब क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, एटम तो है इसके पास, एटम हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसके पास पॉजिटिव है, इसके पास क्या है नेगेटिव भी है, इक्वल अमाउंट में है, इसलिए नेट चार्ज कितना है इसका जीरो, इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया, इसके लिए क्या है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको इसके पास रखा गया अभी, तो क्या होगा ये पॉजिटिव खींच लेगा किसको भाई, नेगेटिव को अपनी तरफ ही, यस और नो, यहाँ पे क्या आ गए सारे इकट्ठे हो गए नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ गए पॉजिटिव, यस और नो, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगी कि रिपल्शन होगी, अट्रैक्शन, एक न्यूट्रल बॉडी में एक चार्ज बॉडी में क्या होती है हमेशा अट्रैक्शन होती है, यस और नो, लाइक चार्ज में क्या होती है रिपल्शन, अनलाइक चार्ज में क्या होती है अट्रैक्शन, एक चार्ज और अनचार्ज बॉडी में हमेशा क्या होती है अट्रैक्शन होती है, कर पाओगे, रीजन क्या है, इसको बोलते हैं चार्ज वाई इंडक्शन, इस पर चार्ज नहीं थे, चार्ज बना दिए गए क्या करके, इसके पास एक चार्ज बॉडी रख के भी कर लोगे भाई, अभी तक यह चार्ज बॉडी नहीं बनी है अभी, तो मैंने क्या कर दिया, इस बॉडी को अर्थ से जोड़ दिया अभी, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया अभी, यहीं पे कर दें, इस बॉडी को क्या कर दिया हम लोगों ने, ग्राउंड से जोड़ दिया, दिस सिंबल ऑफ ग्राउंड भी अर्थ से कनेक्ट कर दिया अभी, इससे क्या होगा भाई, देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, ये बाउंड है इस पॉजिटिव के साथ भी, इसने ये तो इसको ने पकड़ रखा है, ये फ्री है इसका, जब इसको जोड़ा गया, बुक ये बोलती है कि सारा पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, अभी आपकी बुक का लैंग्वेज है, सारा पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा अर्थ में, ठीक है, इसके बाद सिर्फ क्या बचा है नेगेटिव, क्या बन गया बॉडी, इट बिकेम नेगेटिव चार्ज बॉडी, कर लोगे, हमने कोई रब नहीं किया, हमने कोई फ्रिक्शन प्रोड्यूस नहीं किया, ना हीट बनाई, फिर भी क्या बना दिया चार्ज बॉडी बना दिया, इट इज़ कॉल्ड चार्ज बाई इंडक्शंस। अब ये जब पॉजिटिव चार्ज अर्थ में गया है, इससे कुछ होगा भी, क्या मास रिड्यूस होगा बॉडी का भी, पॉजिटिव किसके पास होता है, हैं? प्रोटॉन्स के पास या न्यूक्लियस के पास बोल सकते हैं, क्या न्यूक्लियस अर्थ में चला जाए तो बचेगा क्या उसके पास, 99% मास एटम का कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस पे ही होता है, तो वो बचने वाला नहीं है, बॉडी तो बचती है फिर भी, यानी बुक थोड़ा गलत बोल रहा है इस बात, बुक में लैंग्वेज है कि पॉजिटिव चार्ज गोज टू अर्थ, हम भी ये लिखवाएंगे आपको जो बुक में है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक कुछ और, अभी एक्चुअल में कुछ ये पॉजिटिव कौन, अभी दसवीं क्लास में आप पढ़ के आए हो कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं उसके उल्टे घूमते हैं, पूछा नहीं किसी ने अपने पॉजिटिव कौन है, अपने टीचर से भी पूछे कौन पॉजिटिव कौन है, आइटम तो पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, क्या न्यूक्लियस कभी चलता है, आपने प्लस में पढ़ा हुआ है न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, भी पॉसिबल कैसे है कि आप प्रोटॉन्स बस हाथ घिस के पॉजिटिव को ट्रांसफर करवा दो, भाई पॉसिबल ही नहीं है भाई, इतना आसान थोड़ी है एटम को तोड़ना भाई, यस और नो, नहीं तो हर कोई बम बनाता है दिवाली पे, एटम में बम बना के घूम रहा होता है, इतना आसान होता था, न्यूक्लियस को तोड़ रहे हो, न्यूक्लियस को ट्रांसफर करवा रहे हो अर्थ के अंदर, कितना आसान हो रहा है, देखो जब न्यूक्लियस को ट्रांसफर करा दिया बचा कैसे, बस कुछ नहीं बचा भाई, 99% मास बेस्ड ऑन द न्यूक्लियस भी, 1% में होता क्या, नथिंग भाई, कर पाओगे, यानी जो स्टेटमेंट है ये गलत है भाई, तो आपको ये पहले तो ये होना चाहिए, ये बात पता चलती है आपको नंबर 9 में आके, ये पॉजिटिव है कौन, एक्चुअल में पॉजिटिव 10वीं शुरू होती है पॉजिटिव चलना, और हमारी नंबर 9 में जब चलता है कि पॉजिटिव एक्चुअल में कुछ हो रही है भाई, ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस कभी नहीं चलेगा क्लास, याद रखिए, क्योंकि इट इज बाउंडेड बाई स्ट्रॉन्ग फोर्सेज, प्रोटॉन्स कभी बाहर निकल सकता है न्यूक्लियस से, आपके पॉसिबल आपसे पॉसिबल निकल जाएगा, आप हाथ में घिसोगे प्रोटॉन्स बाहर निकल जाएगा वहाँ से, नहीं होगा भाई, तो ये पॉजिटिव है कौन भाई, हम बार बार यूज करते हैं इस पॉजिटिव को भी, पॉजिटिव क्या है ये एक्चुअल में, क्या ये वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खिसक के यहाँ पे आ गया भाई, तो खाली जगह बन गई इलेक्ट्रॉन की यहाँ से, ये खाली जगह क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, होल्स बोला जाता है इसको, होल, ये नंबर 9 में आएगा भाई सीधा टॉपिक, होल्स क्या होते हैं, इट इज़ अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है,
अगर आपको डिफाइन करना पड़ जाए नाइट क्या है, रात किसको बोलोगे आप, कैसे वो? मैं बोल सकता हूँ इट इज वैकेंसी ऑफ डे, भी दिन की खाली जगह क्या है, रात। दिन नहीं है तो रात होगी ना। लाइफ क्या है, वैकेंसी ऑफ डेथ। भी डेथ नहीं है तो क्या मिलेगी आपको, लाइफ मिलेगी, यस और नो। नेचर क्या है, उल्टा ही, और नेचर भी दिन नहीं है तो क्या है, रात है। नेचर क्या है, उल्टा भाई। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पॉजिटिव मिलेगा वहाँ पे, खाली जगह भी, होल्स। ये प्रोटॉन्स नहीं है अभी, याद रखिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारे होंस उड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो खाली जगह बन रही है ये क्या है एक्चुअल में, ये खाली जगह है इलेक्ट्रॉन्स की, ये प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस नहीं है अभी। अब आपको भी पता होना चाहिए, आपकी बुक ये बोलती है कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। हम मैंने पढ़ा हुआ इसलिए हाईली नेगेटिव होता है, तो अर्थ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है। यहाँ पे खाली जगह बची हुई है भाई, तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से आते हैं भाई इन खाली जगह भरने के लिए। समझ में आया? बुक क्या बोलता है कि पॉजिटिव गोज टू द अर्थ, हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम अर्थ टू बॉडी भी। इलेक्ट्रॉन आके खाली जगह भर देते हैं, खाली जगह भर गई, एक्स्ट्रा हो गया भाई, बॉडी क्या बन गई, नेगेटिव बन गई सेकेंड। समझ में आया कि नहीं आया भाई, आया कि नहीं आया? लेकिन लिखवाऊंगा वही जो बुक में है। पॉजिटिव कहाँ जाएगा, अर्थ में जाएगा भाई, ये सर ना। एक बार लिखवाते हैं इसको, चार्ज बाय इंडक्शंस। देख लीजिए, वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी ए, वी हैव ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी ए, प्लेस नियर टू द अनचार्ज्ड बॉडी बी, प्लेस नियर टू द अनचार्ज्ड बॉडी बी। सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इंड्यूस्ड ऑन द बॉडी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इंड्यूस्ड ऑन द बॉडी। इंड्यूस्ड मतलब पैदा होना भी, इंड्यूस्ड ऑन द बॉडी। समझ में आया? इट इज कॉल्ड चार्ज बाई इंडक्शन भी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, चार्ज बाई इंडक्शन। अभी तो मैंने टच नहीं किया, ना कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया, ना कि हीट प्रोड्यूस किया, कुछ नहीं किया भाई, सब क्या रखा उसके नज़दीक रख दिया मैंने। कर लोगे? आगे लिखिए, बॉडी बी इज कनेक्टेड विद ग्राउंड, बॉडी बी इज कनेक्टेड विद ग्राउंड, सो पॉजिटिव चार्ज गोज टू द अर्थ, सो पॉजिटिव चार्ज गोज टू द अर्थ। इस यूनिट में ये क्यों लिखवाते हैं, क्योंकि ये पहला टॉपिक यही बनता हमारा। आपको पता ही नहीं कि होल्स क्या होते हैं, यूनिट 9 में आएगा तब जाके एनालाइज करो कि हाँ फर्स्ट में कुछ गलत पॉइंट था ये। अब तो आपके लिए सही है, क्योंकि आपके लिए अभी तक तो क्या नहीं आए हैं, होल्स नहीं आए हैं अभी, खाली जगह नहीं आई। कर लोगे तो अब तो बता रहा हूँ, उनको सुन जाओगे तो, कि ये प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस नहीं है अभी क्लास, ये इलेक्ट्रॉन का खाली जगह है अभी। उसका नेचर क्या है, उसका उल्टा है। फेरस में से ईंट बाहर निकाल दो, खाली जगह बन जाए, ईंट वापस डाल दो, फेरस वैसा ही हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या नेचर क्या होगा उसका, अपोजिट होगा नेचर भी। तो खाली जगह क्या बोलते हैं हम लोग, होल्स बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज गोज टू द अर्थ एंड बॉडी बी बिकेम नेगेटिव चार्ज बॉडी बी, बॉडी बी बिकेम नेगेटिव चार्ज बॉडी, बॉडी बी क्या बन जाएगी, नेगेटिव चार्ज बॉडी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें हमने चार्ज बॉडी बनाई है बिना कहीं फ्रिक्शन यूज किए हुए, कर पाओगे? कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, ये फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया गया आपको, तो पढ़ाया था पता नहीं, पुरानी बातें, दो दिन पहले पुरानी बातें ना, पेपर खत्म है, तीन दिन पहले पेपर खत्म है, इतनी पुरानी बात कौन याद रखे। चार्ज कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज भी, हमने आपको चार कंजर्वेशन लॉ पढ़ाए थे आपको, तीन तो वहीं पढ़ ली थे हम लोगों ने, यह सर ना याद है कि नहीं है?
तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज क्या है, लिख लीजिए, इट स्टेट दैट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, इट स्टेट दैट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेशन या आइसोलेटेड फॉर्म, सिंपल की इन आइसोलेशन भी, इसका मतलब होता है इंडिविजुअल, बना लीजिए इंडिविजुअल भी, आइसोलेशन मतलब क्या होता है इंडिविजुअल, ओके, वी कैन नॉट, क्या लिखवा था मैंने, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये लिखवा था, नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन आइसोलेशन, टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी ऑफ द सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब ये डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, अभी कई टीचर इसको उल्टा करवाते हैं, लिखो और डाल के लिख लीजिए, इट स्टेट दैट, मैं दोनों लिखवाता हूँ, क्या दिक्कत है, इट स्टेट दैट चार्ज कैन बी क्रिएटेड कैन बी डिस्ट्रॉयड भी, चार्ज कैन बी क्रिएटेड कैन बी डिस्ट्रॉयड इन पेयर टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लास कोई टीचर डिफरेंस को समझ नहीं पाते अभी, वो बोलते तो गलत बता रहा है बात, एक हमने बोल दिया कि चार्ज को बना नहीं सकते, एक हम बोल रहा हूँ चार्ज को बना सकते हैं, फर्क क्या रहेगा, दोनों बात बोल रहे हैं हम लोग। पहले डिफरेंस में ये है कि हम चार्ज को बना नहीं सकते, चार्ज को ख़त्म नहीं कर सकते, किस फॉर्म में, इंडिविजुअल फॉर्म में भी, या सर नो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है भाई, कर दो ख़त्म, मान जाऊँगा, बोल ही नहीं सकता भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यह कलर नेगेटिव चार्ज क्या बना सकते हैं आप लोग, पॉसिबल ही नहीं है भाई। लेकिन मैंने बोला कि चार्ज को बना सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं, किस फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में, कैसे भाई, इसके पास एक बॉडी रख दी मैंने जिसका चार्ज जीरो था, वो क्या बन गया भाई, बन गया पेयर में चार्ज, वी कैन प्रोड्यूस चार्ज, मैं लिखवाया भी आपको, इंड्यूस मतलब क्या होता है, पैदा करना, प्रोड्यूस करना, किस में प्रोड्यूस किया हम लोगों ने, इसको पेयर में प्रोड्यूस किया, अभी डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे इसको, इसको हटा दो और पिछ पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पेयर में क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगे अभी, यह सर ना, इसको हटा दो यहाँ से, ऑफिस बॉडी वही बन जाए जो पहले थी, पॉजिटिव नेगेटिव मिल जाएंगे आंसर, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चार्ज को बना सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, किसमें, पेयर्स में, चार्ज को बना नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते, किसमें, इंडिविजुअल या आइसोलेशन फॉर्म में भी, दोनों में डिफरेंस है अभी, यस सर ना, एडिशन ऑफ चार्ज, जो आपको ये फील हो रहा होगा, ये प्रॉपर्टीज सारी चार्ज की भी, मैंने आपको दो लिखवा के बंद करी थी प्रॉपर्टीज लिखवानी, फिर मैंने वही टॉपिक बनाए थे, क्योंकि बुक में टॉपिक बना रखे हैं हमारी सारी, क्या हैं प्रॉपर्टीज हैं, कर लोगे, एडिशन ऑफ चार्ज, अगर दो चार्ज को ऐड करना हो तो कैसे ऐड करें भाई, अब प्रॉब्लम ये है ना, चार्ज को ऐड, अब ऐड करने के तरीके मेरे पास बहुत थे भी, मैंने चेक करना पड़ेगा चार्ज स्केलर के वेक्टर, अगर वेक्टर हुआ तो एडिशन के तरीके हैं भाई, कौन से तरीके हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, पैरेललोग्राम है, पॉलीगन्स लॉ है, लोगों पे तो रूल बनते हैं भाई, अगर ये स्केलर है तो सिंपल ऐड कर दो, प्रॉब्लम ही नहीं बनती कोई, तो चार्ज वेक्टर की स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपल ऐड कर सकते हैं चार्ज को, तो लिख लीजिए चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी सो वी कैन ऐड चार्ज बाय सिंपल अलजबरा भी, वी कैन ऐड चार्ज बाय सिंपल अलजबरा या सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं इस बार को लिखने के लिए, सिंपल अलजबरा क्या होता है, अलजबरा सिंपल एडिशंस भाई, इट इज नॉट वेक्टर अलजबरा भी, ये सिंपल अलजबरा है या सिंपल मैथमेटिक्स भी, यस और नो। अब देखो सिंपल तरीका क्या है, मेरे पास प्लस का 5 कॉलम चार्ज है, प्लस का 2 कॉलम चार्ज है, कितना आंसर आएगा, प्लस का 7, सिंपल आंसर आएगा इसका भी, कर लोगे, प्लस का 5 कॉलम चार्ज है, माइनस का 3 कॉलम चार्ज है, आंसर कितना आएगा, प्लस का 2 कॉलम चार्ज, क्या मैंने इसको ऐड किया है,
एड ही किया है, वी एड टू चार्ज इन, वन इज नेगेटिव भी।